press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. माफिया सरगना रवि पुजारी के सेनेगल दक्षिण अमेरिका की राजधानी डकार से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है। माफिया सरगना रवि पुजारी के सेनेगल यानी दक्षिण अमेरिका की राजधानी डकार से गिरफ्तार होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है। उसे पूछताछ के लिए भारत भी लाया जा सकता है। इसे पहले माना जा रहा था कि पुजारी ऑस्ट्रेलिया में छिपा है। 1990 के दशक में वह मुंबई से अपना गिरोह संचालित करता था। कर्नाटक पुलिस ने पुजारी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया था। रवि पुजारी छोटा राजन को अपना उस्ताद मानता था। राजन और पुजारी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। हालांकि 2001 में दोनों अलग अलग हो गए थे। राजन फिलहाल नवी मुंबई की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। माना जा रहा है कि जब मुंबई पुलिस ने कई शूटरों को गिरफ्तार किया तो पुजारी ने बेंगलोर को अपना अड्डा बनाया। वह मूल रूप से मैंगलोर के पदबिद्री का रहने वाला है। वह फर्राटेदार अंग्रेजी और कन्नड़ बोलता है। पिछले साल जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जेएनयू के नेता उमर खालिद, स्टूडेंट एक्टिविस्ट शहला राशिद और दलित नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पुजारी की तरफ से धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी समेत देश के खिलाफ काम कर रहे लोगों को भी धमकी दी थी। पुजारी पर यह भी आरोप है कि 2009 से 2013 के बीच वह बॉलीवुड की हस्तियों से जबरन वसूली करता था। 15 साल से फरार पुजारी की हत्या, वसूली, अपहरण, धोखाधड़ी जैसे कई मामलों में तलाश थी। उस पर सुपारी लेकर हत्या करने के भी आरोप हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।